अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अजीम जाफरी, आपका अपना दोस्त, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। आज है 27 मई 2024, मून चेंज होने जा रहा है। मून की पोजीशन जो है अब आपको कैप्रिकॉन में मून जा रहा है, तो अब आपको बताना ही है कि एरीज वालों का कैसा होगा। एरीज वालों के 10th हाउस में होगा, इसका मतलब बॉसेस हो गए, आपका अपना बिजनेस हो गया, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुहतात होके लें स्टेप्स, क्योंकि बहुत सडन अप एंड डाउन होंगे 2 दिनों के लिए, बल्कि दो भी नहीं, आप ये समझ लें परसों तक, यानी 27 को अब शुरू हुआ है दोपहर को 12 बजे तकरीबन, तो 28 और 29 तक। तो इसमें आपने बहुत उतार चढ़ाव, कोई फ़ैसला करना है तो बहुत देख के करना है, आप कोई रियल इस्टेट के बिज़नेस में है इन्वॉल्व तो बहुत देख के डील साइन करनी है, ऐसे आँख बंद करके नहीं करनी। वालदा की हेल्थ इश्यूज जो अगर खुदा ना करे चल रहे हैं तो उसको भी आपने अच्छी तरह टेक केयर करनी है वालदा की, अपना भी आपने मैदा और स्टमक का थोड़ा सा ख्याल करना है। उसके बाद बारी है टॉरस वालों की, कोई स्टेप अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसमें गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई उसमें अगर ब्लॉकेज आई हुई थी लास्ट 2-3 डेज में या 1 हफ्ते से, वो अब क्लियर होती नज़र आ रही है। उम्मीद है कि कोई आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ से कोई बाहर की कंट्री तो आपका कोई काम हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, घर में मेहमान आ सकते हैं, ज़हनी खुशी होगी, थोड़ा सा मूड भी अच्छा होगा, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं आपके हॉरोस्कोप में। उसके बाद भाई ये जेमिनी वालों की, बहुत देख के काम करें, बहुत देखभाल करके चलें, ठीक है ना, ये जो मैंने टाइम बताया आज से लेके 29 तक बहुत केयरफुली होकर चलें, और कोई लेन देन, कोई फाइनेंशली अपना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर है ऐसा ना दें, अगर कोई लोन है, उधार है, कोई बैंक की डील है, कोई इसको अवॉइड करें। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हाँ ज़रूर एक काम बन सकता है आपका, आप अगर मिसाल के तौर पे किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सौदा करने जा रहे हैं तो वो आपकी डील हो सकती है। उसके बाद बारी है कैंसर वालों की, लड़ाई झगड़ा ख़ासतौर से मियाँ बीवी का, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ है, बॉयफ्रेंड नाराज़ है, उसमें थोड़ा सा आप मुताद रहें, थोड़ा सा किसी ना किसी वजह से बिला वजह की कोई लड़ाई झगड़े के इम्कान हैं। ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत देखभाल करके करें, ठीक है, कोई मेरा नहीं ख्याल, बल्कि अगर आप कोई ऐसा है कोई बहुत एमरजेंसी है तो ट्रैवल करें, अदरवाइज अवॉइड करें। उसके बाद बारी है लियो वालों की, 6th हाउस में मून होगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, थोड़ी सी सेहत का ख्याल रखें, और अपना अपने जो आपके नौकर है घर में उससे थोड़ा सा होशियार रहें, क्योंकि घर का भीती लंका ढाए वाला हिसाब तो आपने सुना होगा, तो इनसे ज़रा मुताद रहें। ऑफिस में अगर आपके कुछ हैं, कोई वो ऐसा बंदा है जो आपको नहीं पसंद, तो उससे भी एहतियात करें। बाद में है बारी विरगो वालों की, विरगो वालों का बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशियों भरा दिन है, 2 दिन बड़ा इन्जॉय करेंगे, फाइनेंशियल गेंस भी हैं, बच्चों के साथ घूमना फिरना, बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलना पूरे पूरे इम्कान हैं। उसके बाद बारी है लिब्रा की, लिब्रा की ठीक है, आज बहुत अच्छा दिन है, 4th हाउस में मून है, मगर थोड़े से बेचैनी भी रहेगी, मगर काम बनेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। और जब लिब्रा वालों का 4th हाउस में मून हो तो इनको जितना ये खर्चा करते हैं इनसे डबल इनके पास आता है। उसके बाद है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वाला भी कोई आज अच्छा है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, कोई गैर मुल्की डील करने जा रहे हैं, अगर गैर मुल्की डील नहीं हो रही तो कोई इंटरनेशनली नहीं हो रही तो कोई लोकल डोमेस्टिक कोई अगर ऐसा काम है जिसमें आप कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है वो आप कर सकते हैं, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकते हैं, हर लिहाज से अच्छा है। सेक्रेटरीज वालों के पास फाइनेंशियली गेंस हैं, ठीक है ना, इनके पास पैसा आएगा भी मगर टिकेगा नहीं, 2 दिन में वो खर्च भी हो जाएगा, चलो आता रहे, खर्च होता रहे, कोई मसला नहीं। उसके बाद बारी है कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वाले का आज मूड स्विंग्स रहेंगे 2 दिन जो है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बीवी से मतलब आपके अपने लाइफ पार्टनर से सही हो जाएंगे, कभी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, कभी कोई प्लान करेंगे, कभी कुछ प्लान करेंगे। उसके बाद एक्वेरियस की, एक्वेरियस वालों का खर्चे वाले दिन है, फजूल के खर्चे होंगे, बेकार की भाग दौड़ होगी और हासिल वसूल कुछ ना होगा। उसके बाद बारी है आखिर में पाइसेस वालों की, पाइसेस वालों का अगर देखा जाए तो ठीक है, अच्छा है, इनकम का है, खुशियों का है, कोई काम हो सकते हैं, रुके हुए काम हो सकते हैं, मंगनी हो सकती है ख्वाहिश के मुताबिक, और लव लाइफ में अगर डिस्टर्बेंस थी तो वो क्लियर हो सकती है, जो आपस की गलत फहमियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो क्लियर हो सकती हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी एस्ट्रोलॉजी,
अब हम बात करते हैं कुछ के अक्सर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि बहुत हमने तो भाई फलाने हमें ये बताया, ये स्टोन पहनो, फलाने हमें ये बताया, आपका बस इस डेट से सही हो रहा है, मगर कुछ हुआ नहीं, स्टोन के भी पैसे ज़ाया गए, ठीक है, और फलां ने कहा था ये डेट के बाद सही हो जाएगा, ये वो भी सही नहीं हुआ, हालांकि वो तो बहुत मशहूर है फलां आदमी, ढंग का आदमी, ये आम हम डिस्कस करते रहते हैं लोगों से बैठ के। तो जो मैंने फिर आखिर में माशाल्लाह अपनी लाइफ में भी मैं चेंजेस लाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो उस और लोगों को भी जिन जिन को गाइड किया, सबसे ज़रूरी होता है कि आपका घर किधर है, किस डायरेक्शन पे है, घर में अंदर क्या नेगेटिव वाइब्स हैं, इनको कैसे ब्लॉक किया जाए, इनको पॉजिटिव वाइब्स अगर खुदा ना करे ब्लॉक हुई भी है किसी वजह से, आपको नहीं पता, ठीक है ना, या उधर नहीं होना चाहिए चूल्हा, क्योंकि चूल्हा है फायर, फायर आग आग जला रही है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ को, कैश को, पैसा टिक ही नहीं रहा, लाखों रुपए भी कमा रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं यार मेरे पास एंड मंथ में खाली होता हूँ मैं, ठीक है, तो ये चीज़ों को देखना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ कहते हैं यार जब से हम इस घर में आए ना जब से प्रॉब्लम है, अब उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने एक अपार्टमेंट, कोई एक बंगला, कोई घर खरीद तो लिया है, मगर उसमें क्या डायरेक्शन देखी है, और अगर लेना है प्लॉट आपने लिया है तो क्या उसकी आपने वो देखी है कि उस पर एक तो डायरेक्शन होगी प्लस उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स हैं नहीं है, कोई क्या है उसका ऑरा कितना है, कितना वो खुला हुआ है ऑरा, कितना बंद है, कहीं आपने देखा होगा बिल्डर्स के पैसे रुक जाते हैं, वो काम स्टार्ट लेते हैं और बिल्डिंग आधी खड़ी की, पैसे रुक गए, पैसे पेमेंट आ नहीं रही, वो प्लॉट प्रोजेक्ट जो है वो आपका रुक गया बीच में ना। अब ये चीज़ें जो है ना ये होता है कि आप किस दिन प्लॉट की एग्रीमेंट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, अच्छा वो तो बिल्डर का काम हो गया, फिर नेगेटिव वाइब पॉजिटिव वाइब्स उसने क्लियर की हैं नहीं की हैं, उसकी जो ग्राउंड लेवल पे हमने वो जो डालते हैं उसकी कॉपर प्लेट्स होती है, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम कहाँ किधर फिक्स करनी है, ताकि घर में और जो उस घर में या उस बिल्डिंग उस प्लॉट में जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं किसी पर्पस के लिए, कहीं आपने देखा होंगे मॉल्स बन जाते हैं, वीरानियाँ छाई होती है, अक्सर आपने देखा होगा यार ये कभी मॉल चल के ही नहीं दिया, अच्छा कभी आपने सोचा होगा यार ये पता नहीं जगह ऐसी है इधर कोई भी कारोबार बंदा करने आता है वो चलता ही नहीं, वो छोड़ जाता है चंदर से बात, ठीक है, ये तो मैंने तो कई देखे हैं, आप लोगों ने भी लाजमी देखे होंगे आई एम श्योर, वो वजह ही यही होती है कि जिस उस बिल्डिंग पे वो घर बनाया है, उसने ऑफिस बनाया है, फैक्ट्री बनाई है, वो चलती ही नहीं, वो एंड क्या होता है रिजल्ट, वो कर्जों में डूब के निकल जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये फोकस करना है, आपने ये नहीं इस पे फोकस करना कि जी ये जुपिटर आ गया टॉरस में तो अब तो ये मेरे हालात अच्छे होंगे, नहीं होंगे, कभी नहीं होते, ये आपको मैं बता रहा हूँ, उनके अच्छे होते हैं जिनकी वाइब्स पॉजिटिव और नेगेटिव और उनका ऑरा उनका ठीक चल रहा है उस जगह पे जहाँ रह रहे हैं या जिस दफ्तर में वो ऑफिस में अपनी वो डील्स बना रहे हैं पैसा बना रहे हैं, उधर अगर ऑरा आपका ठीक है तो काम बनेगा, ऐसा नहीं है कि अगर जुपिटर आया है 25 करोड़ आवाम को तो वो 25 करोड़ को अमीर कर देगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने इस पे काम पे तवज्जो दें, ठीक है ना, इसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को सही करें, इसको जानिए कि कैसे होता है क्या होता है, ठीक है ना, अच्छा मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, SMS कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि जी मैं कहूँगा हाँ मैं आपको गाइड करूँगा, नहीं मैं गाइड उसी को करता हूँ जो प्रॉपर कंसल्टेशन लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए कि आजकल के दौर में इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास कि अगर एक 500 लोगों को भी गाइड करें बैठ के आपके, भाई आपका ये नक्शा है घर का डायरेक्शन तो आपका इधर क्या, नहीं जो कंसल्टेशन लेगा वही करेगा, ठीक है, आप आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छा स्टोरेजर भी हायर कर सकते हैं, मेरी ये एक सोच है। तो बहरहाल बाकी ये है कि ठीक है नेट पे है हर चीज़ सर्च करें कुछ देखें, ठीक है ना, इल्म हासिल करो, चाहे तो मैं चीनी क्यों ना जाना पड़े, ठीक है, तो इल्म हासिल करें, उस पर आगे से अपनी बेहतरी लाएं ताकि कल को ना भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, नहीं तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह अगर आपने घर बनाना है, प्लॉट लेना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, ऑफिस बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं कि किस डायरेक्शन पे, किस दिन पे एग्रीमेंट साइन करें, किस दिन पे डन करें, किस दिन पे अगर उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है तो कैसे करें, प्लॉट में अगर नेगेटिविटी है तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ आपको गाइड किया करूँगा इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।